नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। एटा में खड़ी रोडवेज बस में दूसरी रोडवेज बस ने मारी टक्कर, हुआ भीषण सड़क हादसा। सिकंदराबाद डिपो की खड़ी बस में किन्नौज डिपो की बस ने मारी पीछे से टक्कर, चारों तरफ मची चीख पुकार। बस में बैठे लोगों ने कहा कि ड्राइवर शराब के नशे में था। लगभग एक दर्जन लोगों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। घटना में एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत, 8 लोगों को हायर सेंटर किया गया रेफर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह, एडीएम प्रशासन आलोक कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा, एसडीएम सदर शिव कुमार सिंह सहित तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। थाना मलावन के अंतर्गत सैंथरी गांव के सामने नेशनल हाईवे का मामला। एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। डिपो और सिकंदराबाद डिपो की जो रोडवेज बसों में भिड़ंत हुई है, कितने लोगों की कैजुअलिटी है इतना और कितने लोग घायल हैं? लखनऊ से दिल्ली जाने वाले हाईवे पर मलावन टोल प्लाजा से थोड़ा आगे सैंथरी पुलिस चौकी पड़ती है, वहाँ पर सिकंदराबाद डिपो की बस खड़ी हुई किसी तकनीकी थोड़ी सी खराबी के कारण। पीछे से कन्नौज डिपो की बस आ रही थी जिसने उस गाड़ी में टक्कर मारी। अभी प्रारंभिक जो जिला हॉस्पिटल में लोगों ने यहाँ पे काउंटिंग कराई है तो 11 सवारियाँ घायल हैं, जिसमें से 6 को आगरा के लिए रेफर किया गया है, 2 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है और 1 पैसेंजर की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस के द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था करके सारे जो इसमें घायल हैं उनके इलाज की बेहतर से बेहतर व्यवस्था कराई जा रही है। एक्सीडेंट की क्या वजह रही है? अब एक्सीडेंट की असली वजह अभी छानबीन से स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल प्रारंभिक रूप से यह बात सामने आ रही है कि सिकंदराबाद डिपो की जो बस थी इन्हीं कारणवश वहाँ सड़क पर रुकी है और रुकने पर पीछे से कन्नौज डिपो की बस। We'll be right back.